बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है सरसों का साग और प्लेन राइस। तो ये मैंने फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। एक मैंने अनियन लिया है, एक मैंने टमाटर लिया और चिली मैंने ली है, तीन से चार मैंने चिली ली है, ग्रीन चिली और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और रेड चिली डाल के मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। और पैन में मैंने डाल दिया ऑयल, तो इसमें मैं ये फाइन पेस्ट डाल देती हूँ। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, तो अब मैं इसमें साग डाल देती हूँ। तो ये साग मैंने लिया तीन में, हमारे पास यूके में यही ज्यादातर आता है, फ्रेश बहुत कम आता है। तो ये मैंने लिया साग, तो ये मैं डालूंगी इसमें। हमारे पास बहुत कम आता है फ्रेश, तो मैं ये ज्यादातर मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा साग। तो माशाल्लाह साग हमारा हो गया, ये देखें। साग हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब मैं दूसरी साइड पे राइस रख दूंगी बॉईल करने के लिए। तो साग को मैंने दूसरी साइड पे रख दी है, अब मैं राइस बॉईल करने के लिए ये पानी इसमें डाल देती हूँ। तो चावल बॉईल करने के लिए जो मैंने वाटर रखा था वो उसमें बॉईल आ गया। इसमें 2 टेबलस्पून में ऑयल का डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी नमक, 1 पानी का बॉयल आ गया। चावल हमारे हो गए, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे। अब मैं चावलों को 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी, तो बाद में आपको प्लेटिंग करके मैं दिखाती हूँ। तो ये फाइनल लुक है सरसों के साग की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना।